Morning, welcome you all in maths class. Today we'll do arranging the number in ascending order. So let's start. We have three numbers: 23, 68 and 45. First, what you have to do, circle the number that is written under tens place. जो tens के नीचे number लिखा है हम उसको circle करेंगे. सभी numbers जो tens place पे हैं, circle that number. कौन कौन से numbers हैं tens place पे? 2, 6, 4. Yes. Now find out which is the smallest number. सबसे छोटा number कौन सा है? 2, 6 या 4. 2 is the smallest number. So number 23 जो है वो सबसे small number है. So we'll write here. सबसे पहले 23 लिखेंगे और 23 को cross करेंगे. Okay? Now अब कौन से numbers बचे हैं? 2 numbers are left. Now इनकी tens place पे find करो कौन सा number small है. 6 is small और 4 is small. कौन स्मॉल है? 4. यस. सो 45 नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर. क्रॉस करो 45 को एंड राइट 45 हियर. विच नंबर इज लेफ्ट? 68 रह गया. ओके, नाउ क्रॉस नंबर 68. नाउ राइट नंबर 68 हियर. अब इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. सबसे छोटा नंबर, देन उससे बिग नंबर, देन बिगेस्ट नंबर. ओके बच्चे, इन दिस वे. नाउ लेट्स अरेंज दीज नंबर्स. इनको भी अरेंज करेंगे. कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? हमने टेंस प्लेस वालों को सर्कल करना है. टेंस प्लेस पे कौन कौन है? 7, 5, 8. हो गए सर्कल. नाउ फाइंड विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. कौन सबसे स्मॉल है? 5. सो 51 नंबर सबसे स्मॉल है. इसको हम करेंगे क्रॉस एंड वी विल राइट. सबसे पहले 51 लिखेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसको पहले यहाँ पे लेके आएंगे. ओके, नाउ अब हमारे पास 2 नंबर्स बची हैं, 72 एंड 89. अब बताओ 7 और 8 में कौन स्मॉल है? 7. यस. सो क्रॉस नंबर 72, राइट इट हियर. नाउ कौन बचा है? 1 नंबर इज लेफ्ट, 89. क्रॉस नंबर 89 एंड राइट इट हियर. अब ये कैसे अरेंज किए हमने नंबर्स? इन असेंडिंग ऑर्डर. स्मॉल नंबर, देन उससे बिग, देन सबसे बिग. ओके, सो इन दिस वे डू सम मोर सम्स इन दैट इज योर होमवर्क. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.